सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस अकेडमी। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेकेंड ईयर के न्यूमेरिकल्स, और सेकेंड ईयर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आज बारी है चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स की। एक वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, उसको देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में और प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 के उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं जिनका ताल्लुक है पावर डिसिपेशन से। तो पावर डिसिपेशन से रिलेटेड ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, तो मैंने क्या किया है कि उनको दो पार्ट्स में सॉल्व करा है। तो आज पावर डिसिपेशन के न्यूमेरिकल्स का पार्ट वन कवर कर रहे हैं। थर्टीन पॉइंट थ्री पावर डिसिपेशन का पहला न्यूमेरिकल है, जिसमें गिवन क्या है, करंट है 6 एम्पियर का, जो कि ड्रॉ किया गया है एक 120 वोल्ट लाइन से। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट पावर इज बीइंग डेवलप, कितनी पावर डेवलप होगी, हाउ मच एनर्जी इन जूल, जूल में भी एनर्जी कैलकुलेट करनी है, एन किलो वाट आर इज एक्सपेंडेड इफ द करंट इज ड्रॉन स्टेडिली फॉर 1 वीक, एक हफ्ते तक अगर इसी करंट को इस्तेमाल किया गया है जो गिवन है, यानी कि 6 एम्पियर और वोल्टेज है 120 वोल्ट। तो सवाल ये है कि कितनी एनर्जी जूल में और किलो वाट आर में इस्तेमाल होगी। तो इजी बात है, पहले तो हमें करंट गिवन है और करंट है 6 एम्पियर और वोल्टेज है 120 वोल्ट, तो हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है जूल में भी और किलो वाट आर में भी, और टाइम जो है वो हमें 1 वीक गिवन है। तो वीक को कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 1 वीक में कितने डेज हो गए, 7 डेज, 7 डेज को पहले आवर्स में ले जाना पड़ेगा, तो हर डे में 24 आवर्स, हर आवर में कितने मिनट, 60, और हर मिनट में कितने सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, तो ये आ जाएगा 60 सेकेंड्स में टोटल आंसर। तो सबसे पहले पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। पावर बराबर है वी आई के, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, तो वोल्टेज है 120, करंट है 6, तो आ जाएगा 720 वॉट। उसके बाद अगर अब वैल्यू देखी जाए वर्कडन की, तो हमें पता है पावर बराबर होता है वर्कडन पर यूनिट टाइम, यानी कि वर्कडन बराबर आ जाएगा पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो जो भी टाइम की वैल्यू थी उसको मल्टीप्लाई करा देंगे 720 से। पहले भी इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हैं या बाद में वैल्यू स्पोर्ट कर दो, आंसर तो सेम ही आएगा। तो आएगा 4.35 × 10⁻⁸ जूल, ये आंसर आ रहा है जूल में। अच्छा, अब आपको याद रखना है कि 1 किलोवाट आर कितने जूल्स के बराबर होता है, तो याद रखो 1 किलोवाट आर बराबर होता है 10⁻⁶ जूल्स के, यानी बहुत बड़ा यूनिट है 1 किलोवाट आर। तो बड़े यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड कराते हैं, तो जो वैल्यू आई है 4.35 × 10⁸, इसको डिवाइड करा देंगे 3.6 × 10⁶ से, तो आंसर आ जाएगा 120.8 किलोवाट आर, जिसको हम चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं 121 किलोवाट आर। 13.4 करंट फ्लो कर रहे हैं 3 एम्पेयर के, ठीक है। अच्छा, ये जो है न्यू बुक के अंदर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, बट सॉल्यूशन सेम है, तो मैं उसी तरह से सॉल्व करा देता हूँ कि करंट है 3 एम्पेयर का, 2 वायर से फ्लो कर रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस एक पर 60 वोल्ट है और एक पर है 120 वोल्ट। तो कंपेयर करना है रेट एट विच एनर्जी पास थ्रू ईच वायर, हर एक वायर से कितनी एनर्जी पास हो रही होगी, रेट क्या होगा एनर्जी के पास होने का, और उन दोनों को कंपेयर करना है, यानी कि रेशियो फाइंड करना है। तो दोनों में करंट है 3 एम्पेयर, एक का वोल्टेज है 60 वोल्ट V1, दूसरी का वोल्टेज है V2 120 वोल्ट, और हमें उनको कंपेयर करना है। तो मैंने बताया कंपेयर करने का मतलब होता है रेशियो फाइंड करना, तो दोनों की जो भी पावर है P1 डिवाइड बाय P2 फाइंड करना है। सबसे पहले एक सेकंड के लिए P1 पता कर लेते हैं, तो VI और दोनों में हम 1-1 लगा देंगे, क्योंकि पावर बराबर होता है V × I के, तो P1 बराबर हो जाएगा V1 और I1, यानी कि 6 × 3 180 वॉट, और फिर दूसरे की पावर निकालेंगे, पावर होती है फॉर 1 सेकंड, तो P2 बराबर आ जाएगा V2 मल्टीप्लाई बाय I2, यानी कि 120 मल्टीप्लाई बाय 360 वॉट। नाउ हमें उनको कंपेयर करना था, यानी कि रेशो फाइंड करना था, तो जो P1 की वैल्यू आई है 180, उसको डिवाइड करा देंगे P2 की वैल्यू से, यानी कि 360, तो आंसर आ जाएगा 180 डिवाइड बाय 360, यानी कि 1/2, 1:2। अगला जो न्यूमेरिकल है 13.6 है, जो कि पावर डिसिपेशन से रिलेटेड है। 13.5 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड था। एक इलेक्ट्रिक ड्रिल है जो कि रेट कर रही है 400 वाट पर, और उसको कनेक्ट किया गया है 240 वोल्ट लाइन के साथ, तो हाउ मच करंट, यानी कि आई फाइंड करना है जो वो ड्रॉ कर रही होगी। तो पावर बराबर है 400, वोल्टेज है 240 वोल्ट, और करंट फाइंड करना है, तो पावर का फॉर्मूला हमें पता है,
वी इंटू आई, तो 240 इंटू आई इज इक्वल टू 400, पावर 400 है, तो 400 को 240 से डिवाइड कराना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 1.666 एम्पियर। तो वो जो इलेक्ट्रिक ड्रिल है वो इतना करंट ड्रॉ कर रही होगी। अगला क्वेश्चन जो कि पावर डिसिपेशन से रिलेटेड है वो भी इजी है, 13.13 है, बैटरी है पॉकेट कैलकुलेटर की जो कि सप्लाई कर रही है 0.35 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस उसका 6 वोल्ट है, तो पावर कितनी, पावर रेटिंग कितनी होगी उस कैलकुलेटर की ये फाइंड करनी है। तो आई हमें गिवन है 0.35 एम्पियर, वोल्टेज है 6 वोल्ट और पावर हमें कैलकुलेट करनी है, तो सेम फार्मूला वी इंटू आई, 6 इंटू 0.35 हो जाएगा 2.1 वॉट। तो दोनों क्वेश्चन ही बहुत आसान थे। 13.14 करंट है 5 एम्पियर का और वो बैटरी से पास हो रहा है फॉर 30 सेकेंड्स और इस टाइम में एनर्जी इस्तेमाल हो रही है 600 जूल केमिकल एनर्जी जो कि ट्रांसफॉर्म हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बैटरी का यही काम है। तो ए पार्ट में व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, ईएमएफ पता करना है एंड हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट करनी है विच इज अवेलेबल फॉर हीटिंग एंड अदर यूजेस। करंट 5 एम्पियर, टाइम कितना इस्तेमाल हुआ है 30 सेकेंड तक इस्तेमाल हुआ है, तो जो एनर्जी है जो कि कन्वर्ट हो रही है जिसको हम वर्क डन के बराबर कह सकते हैं वो है 600 जूल, तो ईएमएफ भी पता करना है और पावर भी पता करनी है कि कितनी होगी। तो एनर्जी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो फॉर्मूला मैं याद दिला दूं, वैसे पावर बराबर होता है एनर्जी अपॉन टी, ठीक है, पी बराबर है एनर्जी या वर्क डन कह सकते हैं और इसको हमें डिवाइड कराना पड़ेगा टी के साथ, ठीक है, और फिर अगर ई की वैल्यू चाहिए तो टी पी के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, वर्क डन की वैल्यू को अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये ईएमएफ है, वोल्टेज जो होता है ना वी इंटू आई, ये वोल्टेज को शो कर रहा है, वी आई तो होता ही है, ठीक है, और बाकी जब मैं वैल्यू पुट करूंगा टाइम की तो ये टाइम इस तरफ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ईएमएफ यानी कि वोल्टेज, करंट और टाइम यानी 600 जो कि हमें एनर्जी गिवन है, तो ये हो जाएगी ईएमएफ मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये हो जाएगा डिवाइड जाके दूसरी तरफ, तो ईएमएफ आ जाएगा 4 वोल्ट। और फाइनली अब हमें ज़रूरत है पावर कैलकुलेट करने की, तो पावर खुद बराबर होती है वी इंटू आई के, तो वी की जगह पर हम यहाँ पर ईएमएफ यूज़ कर रहे हैं, तो ईएमएफ मल्टीप्लाई बाय करंट 4 इंटू 5 ये आ जाएगा 20 वॉट। पार्ट वन के लिए बस यही न्यूमेरिकल्स यूज़ किए थे, अब जो नेक्स्ट आएगा लेक्चर न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन में वो पावर डिसिपेशन के दूसरे न्यूमेरिकल्स होंगे, जो बाकी रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं पहले आप इनकी प्रैक्टिस करो फिर उन न्यूमेरिकल्स को देख लेना, ठीक है, काफ़ी है आज के लिए, अगले लेक्चर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।